खरगोन जिले के सनावद में बसंत पंचमी के अवसर पर सनावद सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में श्री रेवा गुर्जर समाज के 350 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुए। श्री रेवा गुर्जर सामूहिक विवाह समितियों द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सनावद बड़वा बेड़िया सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में नव दंपत्ति परिणय सूत्र में बंधे। सभी स्थानों पर स्थानीय समितियों द्वारा सराहनीय व उचित व्यवस्थाओं के साथ सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न करवाए। पूर्व सांसद व समाजसेवी तारचंद पटेल व विधायक सचिन बिरला, युवा संगठन के अध्यक्ष पदम बिरला, गुर्जर समाज के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल चौधरी सहित वरिष्ठ जनों ने वर वधुओं को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री रेवा गुर्जर युवा संगठन द्वारा समस्त वर वधुओं को भगवान देवनारायण की फोटो युक्त शुभकामना पत्र भेंट किया। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इस सफल आयोजन की भी बधाइयां देता हूं और वर वधु को उनके मंगलमय नव जीवन की शुरुआत के लिए भी शुभकामना देते हुए और अरुणा से कामना करता हूं कि उनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और वो अपने परिवार, समाज, प्रदेश और राष्ट्र की सेवा में इसी तरह लगे रहें। और सबसे अधिक किसी का आभार करना चाहिए तो हमारे इस आयोजन समिति के सभी अध्यक्ष जी, अजय सवैया जी और सभी उनके साथियों का, जो प्रतिवर्ष एक सफल आयोजन करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से आदरणीय समाज के अध्यक्ष ताराचंद जी पटेल साहब का भी हम आभार करते हैं कि उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में, समाज का खर्चा कम करने में सामूहिक विवाह को आगे रखते हुए समाज के लिए दी सकती है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का भी हम लोग आभार करेंगे कि उन्होंने अपनी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए पिछली सरकार 25,000 रुपए देती थी, अब 50,000 रुपए देने का निर्णय लिया है, जिसमें 48,000 रुपए हमारी बेटियों के सीधे खाते में जाते हुए उस पैसे का अपने परिवार के लिए या स्वयं के ऊपर परिवार के सुख दुख में वो खर्चा कर सकते हैं। सनावद से विकास पवार की रिपोर्ट।